हे गेमर्स, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी गेमिंग? होपफुली बढ़िया चल रही होगी। और यहाँ पे हमारे पास आ गया रियलमी का नया स्मार्टफोन जो कि है रियलमी C21। अब इसके बाद हम एक और रियलमी सीरीज का डिवाइस कवर करने वाले, वो है C25। उसकी वीडियो आपको एक या दो दिन में देखने को मिल जाएगी। अब ये काफ़ी अफोर्डेबल डिवाइस होने वाला है कंपनी की तरफ से। यहाँ पर आपको मिल जाता है ये 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले आगे की साइड। अगर मैं बात करूँ बाकी स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे कंपनी ने आपको MediaTek का G35 चिपसेट प्रोवाइड करा है और ये आएगा 2 वेरियंट्स में। 3 GB RAM और 4 GB RAM वेरियंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे पास 4 GB RAM है जिसमें 64 GB की स्टोरेज आपको देखने को मिलती है, 3 GB में 32 GB की स्टोरेज आपको मिल जाएगी। साथ ही में आपको इसमें मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी। तो कैसे ये परफॉर्म करता है पबजी गेमिंग टेस्ट में, क्या आपको ग्राफिक सेटिंग्स मिलती है, कितना बैटरी ड्रेन रहता है और ये हीट होता है या नहीं, सब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले टेम्परेचर रीडिंग्स ले लेते हैं। तो आप इनिशियली अभी देख सकते हैं जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्रीज तक मैक्सिमम टच हो रहे हैं, 36.4, और वो चिन की साइड पे है हल्के से। बैक साइड पे चले तो बैक इसकी कंपैरेटिवली अभी देख सकते हैं आप थोड़ी सी हल्की सी नीचे है टेम्परेचर में, 33.8 मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहे हैं। मेरा हाथ इससे काफ़ी गर्म है। तो फटाफट से करते हैं गेम को लॉन्च, आपको दिखाते हैं सारी ग्राफिक सेटिंग्स और अपना सेटअप की कैसे हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। सो गाइज, हियर इज द गेम। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर आपको FPS मीटर दिख रहा होगा। ये केबल हमने इसलिए लगा रखी है क्योंकि FPS मीटर बीच बीच में बंद हो रहा था, तो कॉन्स्टेंट केबल की वजह से यहाँ पे FPS मीटर चलता रहेगा। तो यहाँ पे ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, ना कोई मिरर करके हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ FPS मीटर के लिए केबल हमने यहाँ पे लगा रखी है। तो यहाँ पे अगर मैं फटाफट से आपको ग्राफिक सेटिंग्स दिखाऊँ तो आपको FPS ऊपर दिख ही रहा होगा। और ग्राफिक सेटिंग्स में आपको स्मूथ में मीडियम यानी कि 25 FPS तक कैप्ड रहता है, बैलेंस में भी आपको मीडियम रहता है। तो ये आपको बेस्ट सेटिंग मिलेगी। इस स्मार्टफोन में 30 FPS नहीं मिलेगा, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है मेरे को भी, क्योंकि 30 FPS मिनिमम होना चाहिए अगर आपको एक डिसेंट एक्सपीरियंस चाहिए एंट्री लेवल फोन्स में भी। तो उसके बाद अगर मैं जाऊँ बेसिक में और यहाँ पे फटाफट से स्कोप ऑन कर दूँ तो ये आपको जायरोस्कोप आपको मिलता है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं जायरो, एक सेकेंड मैं पहले थोड़ी सेंसिटिविटी आपको कम करके दिखाता हूँ, एकदम से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है अभी इसकी। जायरोस्कोप रेड डॉट 400% कर रखी थी, तो यहाँ पे 100% कर दिया मैंने जायरोस्कोप पे। तो यहाँ पे आपको देखिएगा ना हल्का सा जर्क है जायरोस्कोप में इसका, मतलब एकदम स्मूथ नहीं है इसका जायरोस्कोप। आपको ये दिखेगा थोड़ा सा डिले के साथ वो वापस आ रहा है और हल्का सा आपको जर्क फील होगा जायरोस्कोप में। तो यहाँ पे अगर मैं फायर करके देखूँ तो जायरोस्कोप के साथ आप खेल सकते हैं, पर इतना स्मूथ नहीं है ये जितना आपको थोड़े हायर एंड डिवाइसेज में मिलता है। तो एंट्री लेवल में यूज लिया तो जायरोस्कोप आपको नहीं मिलता, और मिलता है तो कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है, तो जायरो में आपको हल्का सा डिले तो देखने को मिल ही रहा है कि वो जैसे मैं नीचे करके ऊपर लाता हूँ तो आप देख सकते हैं थोड़े टाइम बाद वो वापस आता है। तो थोड़ा सा गेम एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं कि गेम कैसा रहता है 25 FPS। और आप जानते हैं 30 FPS से नीचे जब भी होता है मैं बहुत ज़्यादा लंबा गेमिंग सेशन नहीं करता, तो एक TDM और एक क्लासिक आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपको दिखेगा कि 20 और 25 के बीच हल्का हल्का फ्लक्चुएट कर रहे हैं फ्रेम्स, मोस्टली अभी आपको 25 दिख रहे होंगे ऊपर। यहाँ पे 25 फ्रेम्स तक तो आ रहे हैं, पर जैसा मैंने बताया 25 पे ना वो थोड़ा इतना स्मूथ नहीं लगता जितना 30 पे लगने लगता है। तो यहाँ पे हल्का सा ऐसा लगता ही है कि थोड़े फ्रेम्स कम है। वो बाप रे क्या बचे है भाई, 1 HP थी। तो TDM में आप 22 से 25 फ्रेम्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस डिवाइस में। अगर आपका बजट बहुत ही कम है जैसे 8000 के अराउंड ही है तो आपको यूजुअली ऐसी परफॉर्मेंस देखने को ही मिलती है। आप 10000 से ऊपर तक जा सकते हैं, 10000 या 10000 से ऊपर तो आपको थोड़े बेटर FPS देखने को मिल जाते हैं। तब आपको 30 और कभी कभार 40 FPS वाले डिवाइसेस भी मार्केट में मिल जाएंगे। सॉरी ब्रो। Reloaded.
losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. तो गाइस यहाँ पे हम आ गए आपके फेवरेट मैप में सेनॉक, और आई नो वैसे इरेंगल खेलना चाहिए था इसमें, पर हम सीधा सेनॉक ही करते हैं आजकल। तो लेट्स सी सेनॉक में 25 FPS में से कितना ही मेंटेन कर पाता है। 25 कर लिया तो ऑब्वियसली आपको इरेंगल में भी 25 तक ये दे देगा। तो लेट्स सी जंप करने पे और कैसा रहता है। तो अपन जंप करते हो, जंप करते आपको देखा होगा एक बार 16 गया डिप और फिर वापस आ गया। यहाँ पे 11 FPS गया था अभी, पता नहीं लोग आ रहे नहीं आ रहे, पता भी नहीं अभी तो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर फ्रेम ड्रॉप्स तो दिख रहे थे मेरे को, और बंदे भी हैं ही। सॉरी ब्रो, यू हैव टू डाई। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 20 से 25 इसने मेंटेन तो कर रखा है, अभी वापस 25 आ गया। मेन बिल्डिंग में बंदे तो 25 तक तो ये आपको दे देगा, मतलब ऐसा मुझे भी इसमें 25 में दिक्कत नहीं दिख रही कि फ्रेम 25 हो। पर हाँ भाई डरा दिया इस बॉट ने मेरे को। एक चीज़ अच्छी है, जब आपके पास डिवाइस ऐसा होता है जिसमें 25 FPS आते हैं तो जो आपकी लॉबी आती है ना वो इजी आती है, क्योंकि सिमिलर डिवाइसेस के साथ शायद PUBG आपको मैच करता है। ओके टेम्परेचर देख लेते हैं, हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमने बताया आपको 30 FPS नहीं मिलता था, थोड़ा सा ना वो मुश्किल रहता है खेलने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर इसके 44 डिग्रीज टच कर रहे हैं। अब दिल्ली में ना गर्मी हो गई है तो मोस्टली डिवाइसेस हीट होने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे 44 डिग्रीज आ जाता है 15 मिनट्स की गेमिंग के बाद। बैक साइड पर चलें तो बैक साइड पर आपको दिखेगा कि थोड़ा सा कम है टेम्परेचर एज कम्पेयर टू फ्रंट, 41.5-41.6 ज़्यादा वो कैमरा मॉड्यूल के अराउंड इस एरिया में अभी कंसनट्रेटेड है। तो अब ये रहा सेशन, और यहाँ पे हमने 15 मिनट का सेशन किया और इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आया है वो निकल के आया है 25 FPS। बैटरी इन्फिनिटी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमें वायर लगानी पड़ी थी यहाँ पे गेम बेंच को कॉन्स्टेंटली रन करते हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ठीक रहा आस, मतलब 25 FPS के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं पहले हमने यहाँ पे थोड़ा सा TDM खेला, उसमें थोड़े बहुत फ्रेम ड्रिप्स आए, उसके बाद दूसरा TDM खेला जिसमें आप देख सकते हैं मोस्टली ना 20 की लाइन से ऊपर है, ये 22-25 ये मेंटेन कर पाता है। और इसके बाद हमने यहाँ पे सेनॉक खेला, सेनॉक में जब यहाँ पे जंप लगाई ना, ये देखो जंप के टाइम 10-11 भी गया था ये अगर आपको दिख रहा हो तो, उसके बाद वापस थोड़ा स्टेबल होके 20 से अबाव आपको दे देता है। तो 25 FPS ये 88% टाइम मेंटेन
कर पाता है, जो टेम्परेचर है 44 डिग्रीज तक यहाँ पे गए। तो मेरे ओपिनियन में अगर आप एक एंट्री लेवल डिवाइस देख रहे हैं मार्केट में गेमिंग के लिए, तो एक डिसेंट ऑप्शन ये हो सकता है। अगर इसका प्राइस 8000 के नीचे से ये स्टार्ट होता है, तो 7-8 हज़ार में उस हिसाब से 25 FPS वाले डिवाइसेज आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। अगर 10,000 या 10 से ऊपर ये जाता है, तब आपके पास मार्केट में ऐसी डिवाइसेज अवेलेबल होने शुरू हो जाते हैं जो आपको 30 या इवन 40 FPS देना शुरू कर देते हैं। तो प्राइसिंग जब हम ये वीडियो शूट कर रहे थे हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, जो भी प्राइस आएगा मैं इसे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। पर मेरे ओपिनियन में हमेशा अगर आप गेमिंग के लिए थोड़े ज़्यादा सीरियस है तो हमेशा 30 FPS मिनिमम डिवाइसेस के साथ जा सकते हैं। पर हाँ, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता आपको 7-8 हज़ार से ऊपर जाने में, तो आपको 25 FPS तक ही मोस्टली डिवाइसेस देखने को मिलते हैं जो आपको 25 FPS ऑफर कर देते हैं। आप बताइए आपको कैसा लगा Realme का C21 गेमिंग के लिए, और क्या आप इस डिवाइस को लेना पसंद करेंगे, और किस प्राइस पॉइंट पर अगर आप आता है ये तो आपको लगता है कि एक अच्छी डील हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड रिमेंबर, गेमिंग इज नॉट अ क्राइम।